दुबई के एजेंटों ने फंसाया 130 भारतीय वर्करों को, भारतीय सरकार ने बचा लिया है। शुक्रवार को भारत सरकार ने बताया है कि करीब 130 भारतीय वर्करों को विदेशी फ्रॉड से बचाया गया है। इन सभी को म्यांमार से वापस भारत लाया गया है। इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं, जिनमें मासूम वर्करों को फंसाकर बढ़िया सैलरी के नाम पर ठगी की जाती है। भारतीय वर्करों से वादा किया गया था कि उन्हें थाईलैंड में आईटी सेक्टर कंपनियों में काम दिया जाएगा। भारतीय वर्कर जब वहां पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वह लोग बंधक बन चुके हैं और उनसे साइबर फ्रॉड करवाया जाएगा। इन सारी कंपनियों को दुबई, बैंकॉक और भारत में बैठे एजेंट संभालते हैं। इन सभी भारतीय वर्करों को सोशल मीडिया विज्ञापन के द्वारा जाल में फंसाया गया था। भारत ही नहीं, कई और देशों के वर्कर भी इस तरह की समस्या से जूझते रहते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के प्रवक्ता एरिंडम बागचिम ने कहा कि इनसे डिजिटल और क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड करवाया जाता था। इसके अलावा कई लोगों को अवैध तरीके से विदेश भी भेजा गया है। इन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।